पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 6, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल रहता है, अपने अभ्यास का कमाल रहता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन याओजी। अब बहुत समय पहले चाइना में एक आर्चर रहता था जिसका नाम था चेन याओजी। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। अब वो बहुत ही अच्छा धनुष बाण चलाता था। ही कुड हिट द टारगेट प्रिशियसली एट सेंटर इवन वेन इट वॉज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब वो कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता था लेकिन बरोबर धनुष बाण उनका अच्छे से उनके बरोबर टारगेट पर वो लगा लेते थे। ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड दैट गैदर अबाउट हिम अराउंड हिम। तो उनको उनका जो स्किल था धनुष बाण चलाने की, उनकी जो कला थी, उनको उस चीज़ का शो ऑफ करने की बहुत आदत थी। उनको लगता था कि मैं ये करूँ, लोग मुझे देखें, मेरे लिए क्लैप करें वगैरह, इन चीज़ों का शो ऑफ करने की उसे बहुत आदत थी। वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायर्स व्हेन ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक। अब एक दिन ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके आजू बाजू में बहुत सा क्राउड, बहुत सी पब्लिक देखने के लिए जमा हो गई थी। तभी उन्होंने देखा था कि एक बूढ़ा आदमी भी उन लोगों में पीछे साइड खड़ा था। द मैन वॉज कैरिंग गार्ड्स ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर। अभी उनके वो बूढ़ा आदमी था जिसके पास तेल के कुछ कैन भरे हुए थे, कंधों पे लगाए हुए थे। ऑल द अदर पीपल वेर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी। उस टाइम में जो बाकी के लोग जमा हुए थे चेन याओजी की जो प्रैक्टिस देखते हुए, वो सब चेन याओजी को क्लैप कर रहे थे और उनकी वाहवाही कर रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था वो एकदम बिल्कुल चुप था। ही नेदर क्लैप नॉर अदर वर्ड्स ऑफ प्रेज। लेकिन ये बूढ़े आदमी ने ना तो क्लैप किया और ना ही कुछ कहा। ही जस्ट स्टूड देयर नोडलिंग हिज हेड एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो बूढ़े आदमी ने कुछ भी कहा नहीं, सिर्फ चुपचाप खड़े रहे और अपनी गर्दन हिला के बोले कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का कमाल है। चेन याओजी वॉज एनॉयड। आर यू एन आर्चर योरसेल्फ। चेन याओजी को चिढ़ आ गई, वो गुस्सा हो गया और उन्होंने पूछा कि तुम आर्चर हो क्या? डू यू थिंक एनी वन कैन डू दैट डू वट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोस। फिर उसने पूछा उस बूढ़े आदमी को कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई भी कर सकता है जो मैं अपना धनुष बाण चलाता हूँ, ये कोई भी कर सकता है क्या जैसे मैं कर रहा हूँ? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल। ऑल आई सेड वॉज एवरी थिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि मैं आर्चर नहीं हूँ और ना ही मुझे आपकी कला पे कोई शक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो भी है वो प्रैक्टिस का अभ्यास है। चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच अ थॉटलेस कमेंट ऑन अदर पीपल, वो आर यू। चेन याओजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुम इस तरीके से कैसे भी किसी पे भी कोई भी कमेंट कर सकते हो, कौन हो तुम? प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, आई एम नॉट ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव सॉरी प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ट फ्रॉम द गार्ड्स। सर गुस्सा मत होइए, मैं एक ऑयल सेलर हूँ, जैसे कि आपने मुझे देखा, आप मुझे देखकर पहचान गए रहेंगे। एवरी डे आई फील दिस गार्ड्स विद ऑयल एंड सेल देम। मैं हर दिन ये गार्ड जो है वो ऑयल से भरता हूँ और उनको बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स I have achieved some skill in filling the guards. If you allow, I will show you
इट टू यू। कुछ सालों से मैंने तेल भरने की ये जो है मुझे प्रैक्टिस हो गई है, तो अगर आप मुझे कहें तो मैं ये आपको बता सकता हूँ। रोल चेन याओसी, एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वट वुड हैपन नेक्स्ट। तो चेन याओसी ने बोला हाँ, और सारी जो पब्लिक जमा हुई थी वो एकदम एक्साइटेड थी कि अब क्या होगा, सब देख रहे थे। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गार्ड ऑन द ग्राउंड, देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड। फिर वो बूढ़े आदमी ने एक गार्ड रख दिया जो कैन था ऑयल का, वो रख दिया और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटल होल एट द सेंटर। अभी उन दिनों में कॉइन के बीचों बीच एक छोटा सा होल हुआ करता था, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कॉइन बताया हुआ है और उसमें एक छोटा सा होल बताया है, तो उन दिनों में वैसा एक कॉइन के बीचों बीच एक छोटा होल हुआ करता था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, टुक सम ऑयल इन द लैडर एंड बिगेन टू पोर ऑयल इन टू द गार्ड फ्रॉम अ हाइट। फिर वो ओल्ड मैन था, वो खड़ा हुआ, उन्होंने थोड़ा सा ऑयल लिया और बहुत ही ऊपर से, मतलब हाइट मतलब ऊपर से, उन्होंने वो ऑयल उस सिक्के के अंदर से उस गार्ड में डालने के लिए शुरुआत की। अभी उन्होंने रखा कैसा था कि सपोज़ ये कैन है और इसके ऊपर ये सिक्का उन्होंने रखा और वो सिक्के के बीचों बीच होल था, तो उन्होंने काफ़ी हाइट के ऊपर से ऑयल इसमें डाल रहे थे। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इन टू द गार्ड थ्रू द होल इन द कॉइन। अभी वो जो ऑयल इतने ऊपर से डाल रहे थे, वो ऑयल एकदम स्ट्रेट आके उस होल के अंदर से होके उस गार्ड में जा रहा था। ही लिफ्टेड अप द कॉइन, नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऑयल डाला कि ऑयल का एक भी बूंद कहीं भी लगी हुई नहीं थी, ना तो सिक्के पे और ना ही कहीं उड़ी थी। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ वंडर। जो लोग ये देख रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई थी और बहुत ही अच्छे से वो लोग देख रहे थे। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड, एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी। लेकिन ओल्ड मैन ने कुछ नहीं कहा, वो हल्के से हंसे और उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का कमाल है। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोयंस। चेन याओजी, जो भी चेन याओजी को गुस्सा आ गया था, वो चिढ़ गए थे, वो सब कुछ वो भूल गए। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टूडे। उन्होंने वो हंसे और उन्होंने कहा कि आज तुमने मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शुड ऑफ ऑल बोस्टेड अबाउट ही स्किल एज एन आर्चर। उसके बाद चेन याओजी ने उनका जो धनुष बाण चलाने की जो भी कला थी उसका शो ऑफ फिर से कभी भी नहीं किया। यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको, आर्चर समवन वो शूट्स एरोज फ्रॉम अ बो, मतलब जो धनुष बाण चला सकता है। फिस्ट, अचीवमेंट्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल स्ट्रेंथ एक्सेट। क्वेश्चन एंड आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु वॉज चेन याओजी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेन याओजी वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर, ही के जगह पे आ जाएगा चेन याओजी। वॉट डिड ही लाइक, ही लाइक टू शो ऑफ ही स्किल्स टू द एडमायरिंग क्राउड दैट गैदर अराउंड हिम। What did the old man say? The old man said everything's a matter of practice. Question number 4. What could the old man do? Describe it in one sentence. Iska answer main aapko send karungi. What did Chen Yaozi tell the old man at the end? To kya kaha tha? You have taught me something
इम्पॉर्टेंट टुडे. क्वेश्चन नंबर टू, यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस. शो ऑफ, आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं. मैं आपको इन सब के आंसर सेंड करने वाली हूँ. आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. एनॉयड, डाउट, डाउट मीन्स समथिंग और समवन, ऐसे यूज करके हम बना सकते हैं. इफ़ यू अलाउ नॉट अ ट्रेस, पोस्टेड. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर सेंड करने वाली हूँ. वो आंसर आपको देख के लिखने हैं और इसके हार्डवर्ड सेंड करूँगी. वो हार्डवर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.